कुछ सालों में ईडी जिस तरह से एक्टिव हुई है वो किसी से छिपा नहीं है। बीते कुछ सालों में ईडी ने जिस तरह से ताबड़तोड़ छापे मारे हैं उससे सब वाकिफ हैं। अब ताजा मामले में ईडी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मिले अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सही ठहराए जाने पर विपक्षी पार्टियां आग बबूला हो गईं। देश की करीब 17 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के उस फैसले को खतरनाक करार दिया है जिसमें 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा गया है। तो वहीं एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली में यंग इंडिया के कार्यालय को सील कर दिया है। ईडी यहां पर आज पहुंची और आज ही इस कार्यालय को सील कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल सहित 17 विपक्षी दलों ने ईडी को मिले अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई है। कहा है कि इससे सरकार के हाथ और मजबूत होंगे। इन सभी पार्टियों के हस्ताक्षर वाले बयान में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि ये खतरनाक फैसला अल्पकालिक रहेगा और संवैधानिक प्रावधान जल्द ही लागू होंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह अपने फैसले में संशोधित कानून के तहत ईडी को दी गई व्यापक शक्तियों की वैधता को बरकरार रखा था। फैसले की समीक्षा के लिए विपक्षी दल फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। इसके साथ ही विपक्ष का ये दावा है कि इन संशोधनों ने उस सरकार के हाथ को मजबूत किया है जो बदले की राजनीति में लगी हुई है, जो बदले की भावना से काम कर रही है। इन संशोधनों का उपयोग करके जिसे कानून में जांच परख और संतुलन के अभाव को लेकर स्वतंत्र फैसला देना चाहिए, उसने उन दलीलों को फिर से सामने कर दिया है जो इन संशोधनों के समर्थन में कार्यपालिका की ओर से रखी गई थी। जाहिर है कि इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी जांच को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को फैसला लिया था और पीएमएलए मामलों में ईडी की शक्तियों को हरी झंडी दे दी थी और पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी को भी ईडी के अधिकार को बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है, अपराध की आय, तलाशी और जब्ती, गिरफ्तारी की शक्ति, संपत्तियों की कुर्की और जमानत की दोहरी शर्तों के पीएमएलए के कड़े प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, जिस पर विपक्ष ने अब आवाज उठाई है और इसे लेकर सरकार की बदले की भावना से इन एजेंसियों का उपयोग करना बताया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।